ये आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री। अब एक बुक शॉप है एक पर्टिकुलर स्कूल की, एक बुक शॉप, उस बुक शॉप पर 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। फोर टाइप्स बुक्स हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स, और थ्री टाइप्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब इनके आगे सेलिंग प्राइस दिए हैं 80 रुपये, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। एक बुक का प्राइस है ये, 10 डजन का प्राइस नहीं है ये। देयर सेलिंग प्राइस आर किसके लिए, ईच। तो एक बुक के लिए प्राइस है। अब यहां करना फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप। अब टोटल अमाउंट जो बुक शॉप विल रिसीव, बुक शॉप को रिसीव होगा फ्रॉम सेलिंग ऑल ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सारी बुक्स को बेचने पर, सेलिंग करने पर, सभी ऑल बुक्स, सभी बुक्स को सेलिंग करने पर जो अमाउंट, टोटल अमाउंट मिलेगा बुक शॉप को, वो अमाउंट हमें फाइंड करना है। और करना किसका इस्तेमाल करके, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके हमें फाइंड करना है। क्योंकि अगर मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, 10th क्लास का 3rd चैप्टर, हम 10 डजन का मतलब ये हुआ 120, 120 बुक्स किसकी हुई, केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के लिए एक बुक का जो एक सेलिंग प्राइस है वो 80। अब 80 से मल्टीप्लाई करा देते, ये टोटल प्राइस आ जाता कि कितना हमें केमिस्ट्री बुक्स के लिए देना पड़ रहा है। फिर उसमें एट बुक्स में हम मल्टीप्लाई करा देते किसकी, 60 की, क्योंकि 60 रुपये पर बुक फिजिक्स के लिए है। इकोनॉमिक्स के लिए 40 है, और बुक है कितनी, 8 नहीं, यहाँ 96, क्योंकि वहाँ डजन की बात हो रही है। और यहाँ फिर से 10 डजन का मतलब ये हुआ 120, और मल्टीप्लाई हो जाती 40 से। अब इन सबको जोड़ के जो आता वही हमारा फाइनल आंसर होता। अब यहाँ देखो 120, 96 एंड 120, इन सब का एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद 80, 60 एंड 40 सेलिंग प्राइस का एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, तब भी तो ये मल्टीप्लाई होगी। इसी का एक अलग रूप, इसी को एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना ही मैट्रिक्स है। क्योंकि 10th क्लास में आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल थे, अब 2 से भी ज़्यादा वेरिएबल आएंगे 4th चैप्टर में। इसमें अब क्वांटिटी पहले लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ बुक्स। रो मैट्रिक्स बना लेते हैं। 10 डजन मतलब 120 केमिस्ट्री, एंड 8 डजन मतलब फिजिक्स 96। उसके बाद फिर से 10 डजन। अब ये सेलिंग प्राइस है, ऑफ ईच बुक, हर एक बुक का सेलिंग प्राइस। इसके लिए कॉलम मैट्रिक्स 80, 60 एंड 40। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है,
टोटल अमाउंट कौन सा? टोटल अमाउंट यहाँ लिखा है, टोटल अमाउंट द बुक बुक शॉप विल रिसीव, कौन सा टोटल अमाउंट जो बुक शॉप को रिसीव होगा फ्रॉम सेलिंग, सेलिंग करने के बाद टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। विल रिसीव इधर लिखते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, विल रिसीव क्वांटिटी जो कि 120, 96 एंड 120 है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स में यानी सेलिंग प्राइस में 80, 60 एंड 40, और साथ में एड भी होता जाना है, इसलिए हमने मैट्रिक्स बनाया जिससे कि मल्टीप्लाई के साथ साथ एड भी हो सके। ये मल्टीप्लिकेशन का असली रीजन है। 120 की 80 से मल्टीप्लाई, 12 8 96 एंड 00। अब 96 की 60 से मल्टीप्लाई, 10 और 6 6 36 और 3 6 9 54 एंड 357। 12 4 48 एंड 00। 2 0 इसमें है, 2 ही 0 इसमें है, और ये 6, सिर्फ ये ही ज़्यादा है, इसका मतलब 60 तो ये होगा, बाकी 8 8 7 15, 15 और 6 21 1। अब ये बचा कितना, 2, 4 एंड 2 6, 6 5 11, 11 9 20। बीस हजार 160, इसका मतलब ये हुआ therefore टोटल अमाउंट शॉप द शॉपकीपर अभी जो लिखा था वही लिख लेते हैं, एक मिनट जरा, ये टोटल अमाउंट द बुक शॉप लिख देते हैं क्योंकि बुक शॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही लिखना ठीक रहेगा जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। बुक शॉप विल रिसीव ₹20,160, कितना रुपए में है, ये बाहर निकल गया हल्का सा।
क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं इसी में। दो क्वेश्चन हैं, 21 एंड 22, दोनों ही एक ही डेफिनेशन पर हैं, एक ही क्वेश्चन के हैं। एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें पढ़ो, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2n 3k। इनके जो ऑर्डर दिया है ना, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर। एक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 इंटू n। अब चाहो तो आप देख करके आंसर बता सकते हो। इसमें एक नंबर का है एकदम, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले जैसे आप यहाँ देखोगे, ये चलो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। ये वाई का ऑर्डर कितना है, 3k का। इसके बाद जेड का ऑर्डर, जेड किस ऑर्डर में है, 2p के। और W W किस ऑर्डर में है, W 4 नंबर पे है ना, 1 2 3 एंड 4, n × 3। उसके बाद P किस ऑर्डर में है, P × k के ऑर्डर में। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है आगे कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर के रेस्पेक्टिवली, जैसे एक्स का ऑर्डर ये जो भी है ऑर्डर दिया है। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। जो 21 है एंड 22, इनमें से करेक्ट आंसर को हमने चूज करना है, सिलेक्ट करना है। अब इसमें कहा द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब हिंदी जो रिस्ट्रिक्शन की होती है वो होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी ऐसा प्रतिबंध बताओ, एन के और पी के बीच में ऐसा प्रतिबंध बताओ, एक तरह से ऐसा रिलेशन बनाओ, ऐसा रिलेशन बताओ जो ये ऐसा रिलेशन बनाओ जो ये जो है ये डिफाइंड हो जाए, डिफाइंड पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए डिफाइंड हो जाए। अब यहां देखो ना आप, तो पी वाई पी का जो ऑर्डर है वो पी क्यू है, पी का ऑर्डर पी क्यू है। और वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर है 3k। अब जब इसकी पी और वाई की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आउटपुट जब आता है वो किस ऑर्डर में आता है, रो इन टू कॉलम में। इसका रो लेंगे पी और इसका कॉलम होगा पी इंटू के। इसी तरह से अगर हम वाई की बात, ये सेकंड वाले की बात करें, इसकी इस वाले पार्ट की, तो डब्ल्यू के लिए एन इंटू थ्री और वाई के लिए y है 3 × k। और इसकी मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आउटपुट आएगा डब्ल्यू वाई, वो किस ऑर्डर में होगा, r इंटू कॉलम n × k के ऑर्डर में। और ये प्लस ये ऐड होने की जो सिचुएशन है, प्लस होना कब डिफाइंड होता है, प्लस कब यानी ऐड हम कब करा सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड हम कब करा सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स जो हमारे पास, ये मैट्रिक्स अभी पूरा मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब एन के और पी के दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि पी को एन के बराबर होना पड़ेगा और
के तो आपस में बराबर है ही। यहाँ के पी को एन, ये रहा पी को एन और के आपस में यहाँ बराबर है। अगर आप पिछले उसमें देखो तो आपके पास यहाँ पर था क्या, यहाँ पर पी के लिए था पी के और वाई के लिए था थ्री के। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, यानी के किसके बराबर होना चाहिए, तीन के। तो इसका मतलब के तीन, के बराबर तीन हो गया। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हो इसे, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। हो सकता है दो नंबर में आ जाए तो फिर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, एक नंबर में आए तो आंसर लिख दोगे सिर्फ वहाँ ही दिमाग लगा करके। अब यहाँ हमारे पास इसने दिया है, क्या दिया है ये इसको डिफाइन होने के लिए ए हम लिख देते हैं 21। 21 के लिए पी वाई प्लस में डब्लू वाई। अब पी के लिए हमारे पास पी था क्या, पी के लिए हमारे पास देखो ये ऑर्डर है पी इंटू के, और वाई के लिए ऑर्डर है ये रहा थ्री इंटू के, और डब्लू के लिए ऑर्डर, डब्लू के लिए ऑर्डर यहाँ पर एन इंटू थ्री, और बाकी वाई के लिए ऑर्डर यहाँ पर है ही आपके सामने थ्री इंटू के। अभी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कब एग्जिट करेगी, मल्टीप्लाई ये तभी एग्जिट करेगी जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। इसके पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, ये मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। आप चाहें तो यहाँ एक आइकन आ रहा है, इधर नहीं इधर की साइड, और ये मिरर की तरह वर्क कर रहा है मेरा कैमरा, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इधर की साइड एक आइकन आ रहा है, उस आइकन पर आई का आइकन है, उस आइकन पर आप टच करो, आप सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे, और प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें इससे पिछली वीडियो भी मिलेगी, और उसमें आप देख सकते हो, उससे पिछली वीडियो देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि के तीन के बराबर है, और यहाँ पर ये तीन तीन के बराबर पहले से है ही, इसका रो और इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर पहले से ही है इसका। ये तो एग्जिट हो रही है, अब इसको एग्जिट करने के लिए यहाँ पर ये तीन होना चाहिए। तो के यहाँ पर कितना आ गया, के आया थ्री। इसका मतलब इससे जो हमें मिल रहा है पी वाई एग्जिट ऐसे लिख देते हैं फोर पी वाई एग्जिट। या कुछ और नया लेते हैं, इट इज एग्जिस्ट, ये तभी एग्जिस्ट है
फोर पी वाई, पी वाई के लिए इफ अगर जो आपके पास के है, के कितना हो, के को 3 होना चाहिए। ठीक, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हमने करा दी पी वाई की, तब ये मल्टीप्लाई करा के क्या मिलेगा, इसका पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसका ऑर्डर मिलेगा प्लस। अब ये इसमें डब्ल्यू वाई में कौन सा मिलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। अब यहां पर ये कब डिफाइंड है, अब इसको एग्जिस्ट होने के लिए, इट इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तभी हो सकता है जब ये पी और एन वाला पार्ट बराबर हो, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड करा पाएंगे, वरना ऐड नहीं हो पाएगा। इट इज एग्जिस्ट, फोर या ये लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड, या डिफाइंड व्हेन, ये तभी डिफाइंड हो सकता है पी जब एन के बराबर हो। अब दो बातें हमें यहां मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये दिया है देयरफॉर, जो ये इसमें आंसर हमारे पास पी एन के बराबर और के 3 के बराबर कौन सा हो सकता है, के 3 के बराबर, पी एन के बराबर, ए, ऑप्शन ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेकंड क्या है, 21, 21 में 7x ये हमें मिला ये वाला, और n और p इसने इक्वल दिया है, ये गिवन में क्या है, गिवन में n और p बराबर है, और यहाँ पर 7x और 5z को हमें ये बताना, इनमें से इसके लिए कौन सा ट्रू हो सकता है, 7x-5y के, 7x-5z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा। ठीक, अभी देखते हैं, x का कितना था, x का ऑर्डर था 2 × n, और जेड का 2 × p। टू इंटू एन माइनस फाइव, 2 × p, ये हमारे पास ऑर्डर था। अब यहां ये आप देखो, 7 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ऑर्डर पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, अगर 7 से मैं से मल्टीप्लाई करा दूं इसमें, ये ऑर्डर कितना में है, ये चलो एक और रख लेते हैं इस तरह से, ये 3 रो हैं और कॉलम 2 हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी मैं करा दूं, 7 की स्केलर बाहर जो है ये 5 हो, कोई भी हो, 35, 14, 21, 35, 7 एंड 14, ऑर्डर बदला नहीं है, ऑर्डर फिर भी 3 × 2 भाई है।
स्केलर से मल्टीप्लाई कराने के बाद कोई ऑर्डर नहीं बदलता। इसका मतलब ये हुआ 7x 2 × n के ऑर्डर में होगा और 5z भी 2 × p के ऑर्डर में होगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई तब एग्जिट करेगी जब ये सेम ऑर्डर के हों। इससे हमें ये पता चला कि 2 × n और 2 × 5 दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी इट इज डिफाइंड व्हेन, तब जब ये 2 × n का ऑर्डर किसके बराबर हो, 2 × p वाले ऑर्डर के बराबर हो। ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, और वैसे भी इसने दिया था कि n और p बराबर है, और 2 और 2 इसने यहाँ पर बराबर है ही। मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑर्डर में से कोई सा भी हो सकता है, 2 × n का ऑर्डर भी हो सकता है, 2 × p का ऑर्डर भी। अभी ऑप्शन में तुम्हें देखना पड़ेगा कि और ऑप्शन में क्या दिया है। अब ऑप्शन में 2 × p, 2 × p तो नहीं दिया, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 पहले इसमें नहीं है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है। इसका मतलब ये 2 × n यहाँ ये वाला है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन बी, यानी कि 2 × n इज करेक्ट। और एक नंबर का हो तो आप यहां देखते ही बता सकते हो कि है क्या, एक्स की जगह यहाँ 2 × n है और जेड की जगह 2 × p है, तो 2 × n 2 × p दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये आपके कंप्लीट हो गए आज एक्सरसाइज 3.2, और नेक्स्ट वीडियो ट्रांसपोज के लेक्चर की है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 3.3 के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।